राहुल मुझे एक बात बताओ, ये कैसा खेत था तुम्हारा? खेत था या दलदल थी? मेरा पूरा का पूरा ट्रैक्टर इसमें धसा जा रहा है नीचे को। पता नहीं कौन से खुरापाती कीड़े ने मुझे काटा था जो तुम्हारे यहाँ पर खेत जुताई करने के लिए चला आया अपने ट्रैक्टर से। अब देखो मेरे ट्रैक्टर का पिछला वाला भाग पूरी तरीके से तुम्हारे खेत में धसा जा रहा है। राहुल जल्दी से ट्रैक्टर के आगे बैठो, नहीं तो ट्रैक्टर आगे से बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। बैठा तो हूँ मोदी जी, और किस तरीके से बैठू ये बताओ। मेरे खेत को बेफालतू में दोष दे रहे हो, अपने ट्रैक्टर को दोष नहीं दे रहे हो, या ये कुना कहो तुम्हारे ट्रैक्टर में ही दम नहीं है, या तुम्हें ट्रैक्टर अच्छी तरीके से चलाना नहीं आता जो पूरा का पूरा ट्रैक्टर तुमने मेरे खेत में धसा दिया नीचे को जमीन में। राहुल अगर मुझे सही तरीके से चलाना नहीं आता, मैं अभी केजरीवाल जी के खेत की 5 बीघा की जुताई करके आ रहा हूँ, पूछ लो उनसे, वो देखो आ भी रहे यहीं पे। क्यों योगी जी, मैं अभी 5 बीघा खेत की आपके खेत की जुताई करके नहीं आया हूँ? योगी जी के खेत में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे ही तुम्हारे खेत में मैं अपने ट्रैक्टर को लेके घुसा, मेरे ट्रैक्टर के पिछले वाले पहिए दबते ही चले गए, अंदर बैठते ही चले गए, जैसे मोम के अंदर सुई चली जाती है। इसी तरीके से मेरे ट्रैक्टर के पिछले वाले पहिए तुम्हारी खेत की मिट्टी में धसते चले जा रहे हैं। अब राहुल होगा क्या, ये ट्रैक्टर निकलेगा कैसे, मेरे तो समझ में नहीं आता। योगी जी तुम ही बताओ कोई जुगाड़। मोदी जी एक ही जुगाड़ है, अब दूसरा ट्रैक्टर मंगा लो और उस ट्रैक्टर को और इस ट्रैक्टर को दोनों को आपस में एक रस्सी से बांध दो, फिर वो ही ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर को निकाल लेगा। लेकिन राहुल ये मोदी जी तो अभी मेरे 5 बीघा खेत की जुताई करके आ रहे हैं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तुम्हारे खेत में आते ही इनका ट्रैक्टर बुरी तरीके से नीचे फंस गया। योगी जी आप भी मेरे ही खेत को दोष दे रहे हो, ये बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मोदी जी को ट्रैक्टर बिल्कुल चलाना नहीं आता, अगर चलाना आता होता तो ये ट्रैक्टर इतनी बुरी तरीके से मेरे खेत में नहीं फंसते। अब इसमें मेरा भी तो नुकसान हो रहा है, ये मेरे खेत में बड़े बड़े गड्ढे कर दे रहे हैं अपने ट्रैक्टर से। मोदी जी योगी जी सही कह रहे हैं, अखिलेश का ट्रैक्टर मंगा लो और अखिलेश के ट्रैक्टर से अपने ट्रैक्टर को बांध दो, वो ही तुम्हारे ट्रैक्टर को खींच के बाहर करेगा मेरे खेत से। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल आज के बाद इस बस अड्डे पर ये अंधेर नगरी नहीं चलेगी, मैं किसी हाल में भी ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे मोदी जी, ये बताओ आपसे कोई दौलत लेते हैं हम? आपकी दिन भर की कमाई का सिर्फ 20% ही कमीशन तो लेते हैं। ये बताओ राहुल तुम 20% कमीशन किस बात का लेती हो? दिन भर हम अपने कंधे पर बोझा उठाकर कुली का काम करते हैं, तुम हमसे शाम को हम जितना भी दिन भर में कमाते हैं उसका 20% कमीशन ले लेते हो, किस बात का कमीशन लेते हो ये? मोदी जी आपको शायद पता नहीं है, मैंने इस बस अड्डे का ठेका सरकार से ले रखा है, मुझे ठेके का पैसा देना पड़ता है, और यहाँ पर जितने भी कुली काम करने के लिए आते हैं उनकी उस कमाई में से 20% कमीशन लेता हूँ मैं। मोदी जी 20% बहुत होता है, कल मैंने 200 रुपए कमाए उसमें से 40 रुपए मुझे इन राहुल को देना पड़ गए, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कमीशन कम करो भाई राहुल। अच्छा एक बात बताओ राहुल, तुमने सरकार से कुली को काम करवाने के लिए इस बस अड्डे का कितने रुपए में ठेका लिया है? अरे 20% के हिसाब से हमसे पैसे लेने पर तो तुम्हारे 1 महीने में बहुत रुपए हो जाते होंगे। देखो मोदी जी मैंने कितने में भी ठेका लिया हो इससे आपको क्या लेना देना, हर कोई आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है, मैंने ठेका माना के 10,000 का लिया है, कभी महीने में मैं 15,000 रुपए कमा लेता हूँ तो कभी 8,000 रुपए कमा पाता हूँ, इस तरीके से घाटा फायदा तो लगा रहता है। मोदी जी आपको लगता है कि राहुल भैया बहुत कमाते होंगे लेकिन खास बचत नहीं होती है इन्हें इस कुली के ठेके में। अखिलेश तुम तो राहुल की तरफ से बोलोगे ही क्योंकि दिन रात तुम राहुल के ही साथ रहती हो। मोदी जी इस राहुल से कहो कि इस कमीशन के पैसे कम करे, 20% हम कमीशन नहीं देंगे, नहीं तो हम ये कुलीगिरी का काम छोड़ रहे हैं, 10% कमीशन में काम करेंगे हम। हाँ मोदी जी लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी कमाई में से 20% पैसा दे दो, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। देखो राहुल ये तो मैं मानता हूँ कि तुम इस बस अड्डे के कुली के काम करवाने के लिए सरकार से ठेका लेती हो और कुछ पैसा तुम सरकार को देते ही हो, लेकिन हम सारे कुली लोगों से पैसा कम कर दो, 20% बहुत ज्यादा रुपया होता है। चलो मोदी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, बीच में 15 रुपए कमीशन लिया करूंगा मैं तुमसे। जाओ वो नई बस आ गई, उसमें बहुत से लोग सामान उठवाने के लिए खड़े हैं, जाओ जल्दी जाओ काम पर लगो, और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल इसीलिए मैं तुम्हें नहीं लाना चाह रहा था, देखो गांव के सब लोग तो मेरे छप्पर को इस झोपड़ी के ऊपर चढ़ा रहे हैं लेकिन तुम मेरे छप्पर के ऊपर जाकर बैठ गए। अरे छप्पर को तोड़ोगे क्या? नीचे आओ इसे धक्का लगाओ, छप्पर को ऊपर चढ़ाओ, देखो गांव के सारे लोग आए हुए हैं छप्पर को ऊपर चढ़ा रहे। अरे मोदी जी मैं बेफालतू में आपके छप्पर के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ
कि आपने छप्पर बनाने में घास फूस का अच्छा इस्तेमाल तो किया है, कहीं ये बरसात में टपकेगा तो नहीं। राहुल तुम्हें बहाने बनाना बहुत आता है, नीचे आओ छप्पर से कूद के छप्पर को जोर से धक्का लगाओ, ये ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है झोपड़ी के ऊपर। मोदी जी मुझे लगता है इस बार का छप्पर आपने भारी बहुत बना दिया, गांव के कम से कम 20 लोग आ गए आपके इस छप्पर को उठाने के लिए, लेकिन छप्पर उठ नहीं पा रहा है। योगी जी आप तो वैसे ज्यादा काम नहीं करना चाहती हो, सबसे पीछे खड़े हुए हो, जोर से धक्का लगाओ छप्पर पे, तभी तो ये झोपड़ी के ऊपर चढ़ेगा छप्पर। वैसे मोदी जी राहुल सही कह रहा था, आपने इस छप्पर के अंदर घास फूस का इस्तेमाल कम किया है, कहीं ये बारिश होने पे टपके ना। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, अखिलेश तुम कह रहे हो कि मैंने घास फूस का कम इस्तेमाल किया है अपने छप्पर बनाने में, और योगी जी कह रहे हैं छप्पर में वजन बहुत है, तो किसकी बात को मानूं ये बताओ। अगर मैंने घास फूस का कम इस्तेमाल किया होता इस छप्पर को बनाने में तो इसमें वजन बहुत कम होता। मैं सोच रहा हूँ तुम सब लोगों की मदद से ये छप्पर मेरी झोपड़ी के ऊपर चढ़ जाए तो मेरे रहने सहने का अच्छा गुजारा हो जाए। मोदी जी एक छप्पर मुझे भी बनवाना है, एक छप्पर मेरे लिए बना देना, अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा मैं, कुटिया बनाऊंगा। लेकिन लालू जी आपकी तो झोपड़ी है अच्छी तरीके से बनी हुई भी है, उसमें रह भी रहे हो तुम, एक दूसरी झोपड़ी क्यों बनाओगे। अरे अमित शाह जी वो लालू जी की झोपड़ी बुरी तरीके से टूट चुकी है, मैंने देखी है बारिश होने पे बुरी तरीके से टपकती है, सारा का सारा पानी जितना बाहर गिरता है उतना ही झोपड़ी के अंदर गिरता है बारिश होने पर, इसीलिए ये दूसरी झोपड़ी बनवाने को कह रहे हैं। मोदी जी आपके छप्पर को ऊपर चढ़ाने पर सबने बहुत मेहनत की, लेकिन ये राहुल छप्पर के ऊपरी बैठा रहा। उमेश जी बैठे रहने दो इसे, आज के बाद किसी काम के लिए मैं इसे बुलाऊंगा ही नहीं। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।